हम सब जो पीछे पुरुष ऐसे बेंच पीछे पनिशमेंट में खड़े हैं, तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना हम लोगों की एक चीज की चर्चा की जाए, इसलिए जरा थोड़ा तालियों के साथ। हमारे पास ना तो कोई गहना है ना लटका है, ले देके सिर्फ एक कुर्ता है, तो सोचा इस कुर्ते की थोड़ी सी आपको कहानी सुनाते हैं और उसका आनंद लीजिएगा। कविता नहीं है, सिर्फ कुर्ते की दास्तान। अब सुनिएगा आप। मैंने कहा क्यों नहीं, यहाँ तक जाने में ना गाड़ी में आपके कुर्ते में सल कम है। तो जब व्यक्ति घर में कुर्ता पहनता है और पहनते ये ठीक से बैठिए सल हो जाएंगे, अब मैं कैसे बैठूं कि सल ना हो पीछे की तरफ, नहीं आगे होके बैठिए। अरे आगे मैं गाड़ी की सीट पे कैसे बैठ सकता हूँ जिसमें कुर्ते में सल ना हो। सूट की हो तो सूट तो आदमी पीछे के उसके ऊपर टांग सकता है। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ आ रहे हो और कुर्ता पीछे टंगा हो। तब मुझे समझ में आया कि टी जैकेट का आविष्कार क्यों हुआ है, ताकि वो कुर्ते के सल अंदर दबे रहे। तो बनता है वो तरुण मांदेरा जी का या मुकुल जैसवा कुर्ता, जो बड़े शरीर के ऊपर शालीनता से रहता है। उसके अगर पूर्व जन्म के पूरे पाप का वो घड़ा भर गया तो वो आता है हमारे से, क्योंकि जब वो गले के अंदर उतरने की कोशिश करता है तो वही हाल होता है जो अमेरिका और चाइना का हो रहा है, ना तो तेरी मेरी बने ना तेरे बगैर सने, तो घुस ही नहीं पाता अंदर। अच्छा, तो उसके बाद वो देखिएगा कि कुछ साल पहले एक चीज शुरू हुई थी, स्टोल। आज देखिए एक भी आदमी के पास स्टोल नहीं है, उसका रीजन है, जब ये स्टोल शुरू हुए थे तब इंडिया में काफी उल्लाई थी, सब लक्ष्मी जी का पूरा प्रभाव था, तो महिलाओं के खूब जरी के कपड़े बन रहे थे, साथ में स्टोल भी बन रहे थे। जब से मोदी जी ने थोड़ी सी टाइटनेस करी, जरी थोड़ी टाइट हुई, सारे स्टोल गायब हो। अच्छा, एक और चीज नजर आई, आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुर्ता काले रंग का पहने हुए हैं। जब से मोदी जी ने कहा काला गायब, तो काला तिजोरी से निकल के कुर्ते पे आ गया। एक और चीज देखिए कि कई कुर्ते जो हैं वो सीधे होने के बजाय ऐसे आड़े बांके हैं। तो ये क्या होता है कि आप जब नाई के यहाँ जब जाते हैं, और कई बार आते ना घर पे तो वाई किया बेटा, मुझे पापा क्या हुआ, बेटा नहीं नया नाई था उसने कुछ भी 16 नंबर लगा दिया। ये वो कुर्ते हैं जो नाई कुर्ते वाले की अगली जनरेशन सीख रही है, एक और देखिए आप कि बटन बड़े सीधे होने चाहिए, काफी लोगों के बटन ही ऐसे आड़े तिरछे बांके हैं, उसके पीछे भी पूरा मारवाड़ी रहस्य है। महिलाओं ने कहा कि ये आदमी लोग इतनी आसानी से सीधे सीधे बटन कैसे लगा सकते हैं, तो ऐसा करो कि ये 10 मिनट तो ये भी लेट है। अच्छा, होता क्या है कि आप कोई जो भी नजदीकी रिश्तेदार हो, वाइफ हो, बहन हो, माँ हो, अगर उसकी इच्छा होती है, कभी कोई मूवी देखा है यू नो ऋतिक रोशन की या रणवीर कपूर की, तो उनकी इच्छा होती है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति के लिए वैसा ही कुर्ता बनाए। अब प्रिय व्यक्ति का शरीर तो वैसा होता नहीं है, कई बार होता है कई बार नहीं होता, लेकिन कुर्ता तो वैसा चाहिए। अच्छा, जबरदस्ती आपने वो कुर्ता पहन लिया, तो क्या होगा कि जो शुरू में पहले तो गाना वो चलेगा लंबोर्गिनी या पानी ना रंग जैसा, तब तक तो उस कुर्ते का डांस ठीक होता है, जैसे ही उसके ऊपर जवानी दीवानी है कोई गाना बच गया और आपके अंदर का रणबीर कपूर निकल गया, तो वो जो फिर चीर हरण होगा उसके फिर डांस। हम एक बार एक एयरपोर्ट पे थे, तो वो जो जावेद अख्तर साहब है वो वहां पे बैठे हुए थे, लोग जाते हैं जावेद अख्तर को बोलते हैं शोले के बारे में या दीवार के बारे में या सवाना आजमी के बारे में। मैं शक्तिशा गया उनके पास और मैंने सिर्फ एक चीज की, मैंने कहा सर ये पूछना है कि आप कुर्ते कहाँ से सिलवाते हैं, मगर आपके कुर्ते बहुत बढ़िया है, सुबह का साइन था, उन्होंने कुछ तो भी जवाब दिया। मैंने वो बात आगे कम्युनिकेट कर दी इंडिया में अपने परिवार वालों को कि मेरे को जहाँ वो जावेद अख्तर जी के आप कोई वीडियो देखेगा और उनके जैसे कुर्ते बन रही है। बात कही माता जी को, माता जी ने अपनी बहन को कलकत्ता में ये कन्वे करी, कन्वे करने में वो जावेद अख्तर भूल गई और ये कर दिया कन्वे कि वो जो बहुत अच्छा फिल्म राइटर है ना वैसे कुर्ते बनवाना, वो शादी में आने वाला है। मैं शादी में गया, बड़े उत्साह से सोचा था कि बहुत बढ़िया मुझे कुर्ते मिलेंगे, बढ़िया 12 कलफ के व्हाइट सफेद कुर्ते थे। मैंने कहा ये क्या हुआ मम्मी, बोले तूने तो कहा था राइटर के कुर्ते, मैंने कहा जावेद अख्तर नहीं, मैंने गुलजार समझ लिया था। आप सबके जीवन में गुलजार की सफेदी और रणबीर कपूर की वाइब्रेंस और जावेद अख्तर का कलर बना रहे,
यही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।